दोस्तों रिसेंटली आप लोगों ने मोहम्मद जुबेर के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों मोहम्मद जुबेर एक ऐसा नाम है जिसका अंडरवर्ल्ड से भी लिंक है और दुनिया के बड़े बड़े देशों से मोहम्मद जुबेर के यहाँ पर फंडिंग होती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मोहम्मद जुबेर है कौन और दिल्ली पुलिस ने इसे क्यों अरेस्ट किया है और आखिर कैसे मोहम्मद जुबेर का लिंक दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्टों से जुड़ गया। दोस्तों बात है 2018 की, जब मोहम्मद जुबेर ने ट्विटर पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए ट्वीट किया था और कई बार दंगा भड़काने की भी कोशिश की है। नूपुर शर्मा के केस में भी ये काफी ज्यादा एक्टिव था, इसलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद जुबेर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इल्जाम में अरेस्ट किया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद जुबेर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता है और ट्विटर पर करीब 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं यूट्यूब पर एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम आल्ट न्यूज है, जहां पर ये मोहम्मद जुबेर फैक्ट चेक की वीडियो बना के अपलोड करता है, क्योंकि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर वाले विवादित बयान को मोहम्मद जुबेर ने एडिट करके वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और इसके बाद नूपुर शर्मा का वो वीडियो काफी वायरल हो गया और देखते ही देखते नूपुर शर्मा को करीब 70,000 से ज्यादा मारने की धमकियां मिली है। और मोहम्मद जुबेर दक्षिण पंथी समूह भाजपा और मीडिया चैनलों के खिलाफ लगातार लिखता और बोलता रहा है और भारत के न्यूज चैनलों की खबरों की लगातार आलोचनाएं करता है। पिछले महीने भी 26 मई को ज्ञान बाबी मस्जिद विवाद पर एक निजी समाचार चैनल की एक बहस की आलोचना करते हुए इसने ट्वीट किया था कि हमें एक समुदाय और धर्म के खिलाफ बोलने के लिए धर्म संसद के आयोजकों नरसिंह नाना सरस्वती महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऐसे न्यूज एंकर्स मौजूद हैं जो ये काम स्टूडियो में बैठकर कर रहे हैं। और पटियाला के कोर्ट में जुबेर की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है और दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबेर पर पाकिस्तान और सीरिया जैसे बड़े आतंकी देशों से फंड लेने का आरोप लगाया है। और दिल्ली पुलिस ने ये दावा भी किया है कि पिछले 3 महीनों में मोहम्मद जुबेर के अकाउंट में 56 लाख रुपए से कहीं ज्यादा आए हैं और इनका कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब और सीरिया तक है।